कॉल है अभिजीत, ब्लैक कॉल है, कॉल उठाइए। हाँ जी सर बोलिए, मैं अभिजीत बोल रहा हूँ। अभिजीत आप एक काम कीजिए, मैंने आपके फोन पर लोकेशन और लोकेशन की फोटो दोनों भेज दी है, और उस जगह पे आप दयापुर और सयापुर लेकर के पहुंचे। एक बंदे का जानकारी मिली है कि एक बंदा हथियार की, ड्रग्स की और साथ में बम वगैरह की सप्लाई करता है। वो बंदे की जानकारी मिली है कि वो हाईवे के पास जो जंगल है उस जंगल में छिपा हुआ है, हो सकता है वहाँ पर हमला भी हो सकता है। आप अपनी सुरक्षा के साथ जाइए और साथ में तयाकू से आपको ले जाइए। वहाँ पर एक बात को ध्यान देना आप चीज, वो बंदा अगर तुम पर गोली चलाए तो आपको पकड़ना है, उस पर गोली नहीं चलानी है, पकड़ना है उसको। अगर वो बंदा नहीं मिले तो जो उसका थैला मिल जाए डेस्क वगैरह का, वो वहाँ की जानकारी काट के मेरे को जरूर बताइए आप जल्दी। ओके सर, जैसी जानकारी मिलती है हम आपको बताते हैं। आप टाइम मत कीजिए अपने के लिए, इनको लेके साथ में निकलो आप वहाँ के लिए, हाईवे के लिए। ओके सर। दया जी सर, सर का फोन आया, सर ये बोल रहे हैं कि मैंने लोकेशन भेज दी है, एक बंदा है जिसने ड्रग्स और हथियार वगैरह ऐसे कहीं पर छुपा रखे हैं, और लोकेशन भेजी है हाईवे के पास कोई जंगल है, वहाँ पर उस बंदे ने शायद छुपा रखे हैं। हाईवे का कोई जंगल? यस। तो हम तो चलो चलते हैं। ठीक है, अभी जाना जरूरी चलो है। चलो वो बंदा वहीं मिलेगा। तुम लोग यहाँ, तुम यहाँ पर चेक करो, अच्छे से चेक करो। दया तुम मेरे साथ आओ। जी सर। यहाँ भी चेक करो, सया अच्छे से चेक करो। दया तुम मेरे साथ चलो, सया जल्दी आओ। मिला वहाँ पर कुछ? अच्छे से चेक किया? यस सर। अच्छा ठीक है, दिया जी सर। काम करो वहाँ पर देखो। बच्चों तुम लोगों ने यहाँ पर किसी अंकल को देखा जिनके पास कोई बैग था? सर जी बैग था और ऐसे मुंह ढके हुए। हाँ कहाँ पर देखा? पर आगे गया। हाँ। बैग था उसके पास? हाँ था। कल तेजी से भाग रहा था। तेजी से भाग रहा था कहाँ पर? आओ बेटा साथ में आके मैं बता दो एक बार, कहाँ पर देखा था? धीरे धीरे कहाँ पर देखा था? अच्छा वहाँ पर वो पेड़ है ना। अच्छा जंगल के साइड। वहाँ पर देखा था? देखो तो मैंने कहा था ना वो यहीं मिल सकता है। जी सर आगे ही देखो। ये बच्चे बता रहे हैं यहीं पर देखा है इन्होंने। इन्होंने कहा है उसके पास बैग भी था। दया तो वो बंदा यहीं लेके आया था इसका मतलब? हो सकता है सर यहीं पर हो, पेड़ों के पास तो जंगल के साइड। वो बंदा भी यहीं हो सकता है। श्रेया अच्छे से चेक करो। जी सर वहाँ पर गया था एक व्यक्ति। वहाँ पर गया था? इसके अंदर घुसा हुआ था।
जे अच्छे से सावधान रहोगे वो यही हो सकता है, वो बंदा भी यही हो सकता है। अच्छे से देखते चलो। क्या मतलब वो बंदा यहीं आया था दया? हाँ, ये बच्चे बोल रहे हैं यहीं आया था वो बैग लेकर। हाँ। एक काम करो तुम उस साइड जाके चेक करो, हम लोग यहाँ देखते हैं। जी सर। आओ हम लोग देखते हैं। बच्चों तुम लोग संभल कर, तुम लोग यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए क्या से रहना। आराम से अच्छे से चेक करना। क्या कुछ मिला? अच्छे से चेक करो क्या। बच्चों तुम लोगों ने उस बंदे को यहाँ आते हुए देखा, लेकिन ये देखा उस बंदे ने कहाँ छुपाया हो तो पता है सारे में? मतलब आते हुए देखा था क्या? काले बैग। अच्छा काले बैग तो कहाँ दबाया ये नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, आया इसी जंगल में था। इसी जंगल में आया था। सया कुछ मिला? नहीं सर। हेलो हेलो सर जी। हाँ जी सर। हाँ पहुँच चुके हैं हम लोग वहाँ पर। हाँ सर देख रहे हैं, अभी मैंने सया से ही बोल दिया, सया चेक कर रही है, दया भी चेक कर रहा है, हम भी, और कुछ बच्चे हैं दो, उनसे पूछा हम लोगों ने, वो कह रहे हैं इस जंगल में ही आए थे, उन बच्चों ने देखा था यहाँ पर आते हुए। हाँ जी सर। हाँ वो लोग वहीं लेकर आए, हमें बताया उन्होंने कि बैग ले रखा था वो बंदा, वो इसे जंगल की तरफ आया था, पर उन बच्चों ने ये नहीं देखा कि कहाँ पर दबाया है, पर हम लोग देख रहे हैं सर जी। ओके सर, जैसे कुछ पता चलता है हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है सर, ओके। कुछ मिला दया? नहीं सर। सया कुछ मिला? नो सर। देखो अच्छे से, देखो चेक करो अच्छे से। सया यहाँ चेक करो। दया तुम भी चेक करो यहाँ पर, वहाँ जाके चेक करो एक बार। ए सिया वहां पे चेक करो। सिया वहां पर ऐसे से चेक करो। दया मिला कुछ? नहीं सर, यहां पर कुछ है। बच्चों तुम लोग यहाँ यहीं रहो, कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। तुम लोग जाओ। सिया संभल कर, क्या है? सर वहाँ पर कुछ है, एक बार चेक करो, संभल कर, कुछ भी हो सकता है सिया, इसलिए आराम से, आराम से सिया। सर यहाँ पर तो बैग है। बैग है? देखो इसके अंदर क्या है। सिया संभल कर, इसमें कुछ भी हो सकता है। बच्चों तुम लोग दूर रहो, दूर। क्या चीज़ है सर?
सर इसके अंदर तो गन और ड्रग्स है। क्या गन और ड्रग्स? तो ड्रग्स है, ड्रग्स है सर, है तो गन भी है। यही बात था बच्चों? हाँ यही था। इसका मतलब उसने बैग लेकर यहाँ छुपाया था, गन भी है इसमें। सर दो गन है और ड्रग्स भी हैं। बाहर निकालो। ये तो बहुत गंभीर है। ये सर ये ड्रग्स और बंदूक, ये तो महंगे हैं, और हथियार, इसका मतलब ये हथियार कहीं और से मंगवाए गए हैं। जी सर, अमेरिका लंदन है सर। सही बोलो। एक काम करो, यहाँ कहीं उसने बम भी लगाया होगा। जी सर, वो चेक करो, इसको इसमें डालो। सर तुम यहाँ भी चेक करो फिर से, इसमें देखो, उस बंदे ने यहाँ कहीं बम भी लगा रखा होगा, यहाँ पर देखना होगा। जब उस बंदे ने यहाँ पर हथियार लगाए हैं तो वो यहाँ छुपाए हैं हथियार वगैरह ड्रग्स, तो वो उस बंदे ने यहाँ पर बम भी लगा रखा होगा। सर ने बताया था मुझे कि उसने बम भी लगा रखा है, तो एक काम करो तुम लोग चेक करो अच्छे तरीके से, देखो बम भी लगा होगा यहाँ पर कहीं। जी सर, अच्छे से देखो। भैया इस साइड आओ, सया तुम भी आओ, इस साइड देखते हैं। सया तुम वहां देखो। दया। जी सर। यहाँ कुछ मिला? नहीं सर। नहीं, कहीं भी छुपा सकता है वो बंदा, इसलिए अच्छे से लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। सया वहां पर भी देखो, आओ। कहाँ लगा सकता है वो बंदा? सर वहां पर भी चेक करो। दया यहाँ भी चेक करो। जी सर। आओ मेरे साथ आओ। बच्चों तुम लोग साइड में हो जाओ। सर यहाँ पर है बम। यहाँ बम है? बच्चों साइड में हो जाओ, साइड में हो जाओ। सर आपको तो साइड के बारे में पता है, आप एक बार चेक करें। संभल कर इसे हटाओ ऊपर से। सर आपको तो साइंस के बारे में पता है, आप ही कर सकते हैं इसको डिफ्यूज। दया तुम साइंस से मत लो, मैं करता हूँ। सिया। जी सर। तुम गाड़ी में से सामान लेकर आओ। जी सर। बच्चों को दूर करो। दया वहाँ पर देखो, आओ बैठो। बच्चों तुम लोग यहीं वहाँ पर रहो, हमें देखने दो। ये तो बहुत खतरनाक बम है, इसमें तो टाइमर भी चल रहा है, ये कुछ ही टाइम में फूटने वाला है सर। इससे पहले इसका टाइम पूरा हो, इससे पहले हमें इसको डिफ्यूज करना चाहिए सर। हाँ मैंने सिया को भेजा है। लीजिए सर। दिखाइए, ये लीजिए सर, दूर हो जाइए सर। दूर हो जाओ। कौन सा वायर काटना चाहिए? क्या उस साइड आओ। संभल कर, बहुत खतरनाक बम है सर, जल्दी आपको डिफ्यूज करना चाहिए इसको, वरना कभी भी टूट सकता है। इस काम में दिमाग से लेना पड़ेगा, ये काम बहुत खतरनाक बम है। इधर संभाल के, डरो मत दया, टेंशन मत लो।
जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और ऐसे ही स्वस्थ तंदुरुस्त रहिए गाइस। तो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे नितेश चौधरी चैनल पर और हमारी ये वीडियो देखिए, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। ये हमारा पार्ट वन, इसमें हम लोग एक बंदे को ढूंढने जा रहे हैं जिसने बम, हथियार, ड्रग्स ये किसी जंगल में छुपाए हैं। तो इसकी आपको पूरी वीडियो देखने के लिए मिलेगी और बहुत अच्छी वीडियो गाइस, आप लोग देखिए। और अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर आप बताएंगे तो हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे। और गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है हम लोगों को, तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिए यूट्यूब फैमिली। तो आप लोग प्लीज़ हम लोगों को अपना सपोर्ट कीजिएगा और हमारे